खूब मेहनत करो, कोई मना नहीं, लेकिन उस मेहनत का आनंद लेना सीखो। अगर ताकत है तो सोने की थाली में भी, जो चांदी की थाली में है, थोड़ा प्रमोशन लीजिए अपने लाइफ में। जो स्टील में है वो चांदी में जाइए, कम से कम प्रमोशन लीजिए। और जब उसमें आप आदत कर लोगे खाने का, देखो चांदी की थाली में आप गरम चावल दाल डाल के देखो, 15 मिनट तक ठंडा नहीं होगा वो, क्योंकि वो धातु गर्मी पकड़ता है, वैसे गर्म रखता है वस्तुओं को। और चांदी की धातु में आप खाते रहोगे, आयुर्वेद शास्त्र, मुझे लंदन के पार्लियामेंट में आयुर्वेद रत्न का पद दिया, मुझे लंदन के पार्लियामेंट, कौन सा पार्लियामेंट, हाँ यूके के लंदन के पार्लियामेंट में मुझे आयुर्वेद रत्न का बिरुद दिया। उस बल और ज्ञान से बोलता हूँ, आयुर्वेद कहता है अगर स्वर्ण भस्म ज़्यादा खाओगे तो किडनी फेल होने की संभावना है, लेकिन चांदी के उपकरण में खाओगे तो जो सेल्स डेड होते हैं आपके, बुढ़ापा किसे कहते हैं, 100 सेल्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, लेकिन 100 सेल डेड हो रहे हैं, 60 सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर 50 हो गए, फिर 40 हो गए, इसको बुढ़ापा कहते हैं। जवानी किसे कहते हैं, 100 सेल मर के गिर रहा है ना, 100 सेल उत्पन्न हो जाए जवानी है, 100 उत्पन्न हो जाए ना 90 ही, 100 मर जाए 90 उत्पन्न हो, बुढ़ापा आ रहा है। 100 भी मर गए ना, एक भी उत्पन्न नहीं हुआ, आदमी मर गया। श्वास जाने से मरता नहीं है, सेल जाने से श्वास खत्म हो जाता है। तो ये डेड सेल को रिवाइव करने में इस दुनिया में कोई चीज ताकतवर है, वो है चांदी, वो चांदी का शक्ति है। इसलिए पुराने घरों में चांदी के दीपकों में ही, चांदी में ही घी के दीपक जलाए जाते थे, आज वो भी स्टील का कर दिया, स्टील के दीपकों में जलाते हैं, पीतल में जलाते हैं। चांदी के दीपक में जलाओगे तो वो घी जलते समय जो ईतर बनता है वो रजत के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो पूरे घर में बैक्टीरिया, जो भी बैड बैक्टीरिया सब खत्म होता है, और घर में ऊर्जा इतनी रहती है कि शरीर को भी उसी दीपक से बल मिलता है। हम विग्रहों की पूजा पहले चांदी में करते, कोई भी मंदिर में उत्सव मूर्ति होती चांदी या तांबे में, उसका अभिषेक होता, वो जल पी लो शरीर बलवान बनता, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर आदमी चांदी खरीद सकता, हर आदमी चांदी में खा सकता है। तो हमारे मंदिरों में चांदी की मूर्तियां होती थी, उसका सुबह सुबह स्नान होता था, हर एक को पुजारी जी वो जल देते थे, गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो प्रसाद के रूप में चांदी का जल प्राप्त करता, शरीर को बल प्राप्त करता, ये भारतीय संस्कार था। अब चांदी की मूर्ति रख भी दो थोड़ी देर में इधर उधर पुजारी इधर उधर किए, जब तक मूर्ति गायब हो जाए, इसलिए सब तांबा रखना पड़ा। मंदिरों में भी ठगों की कमी कहाँ है, कमी है। तो अपना जीवन को श्रेष्ठ जीना सीखो। अगर आपके पास समृद्धि है उस समृद्धि को पहले खुद पर उपयोग करो, जिस दिन खुद पर उपयोग करके थक गए रिश्तों पर उपयोग करो, रिश्तों पर करके थक गए गायों पर मंदिरों पर करो, सब पर थक गए तो समझ लो कि भाई ये जितना भी ईश्वर ने दिया वो ईश्वर का, मेरा नहीं, इसलिए थकान आता है इन चीज़ों से, वो ईश्वर का है, वो मेरा है ही नहीं। आपका कोई वस्तु शरीर देखो, आप कितना भी थकें उसको आप वापस ताज़ा करने के लिए कुछ ना कुछ गोली या क्रीम लगाने की कोशिश करते हो कि नहीं, लेकिन कहीं घूम के आते हो बहुत अच्छा लगा कुल्लू मनाली शिमला बहुत अच्छा लगा, लेकिन घूम के आते ही थकान महसूस करते हो कि खुशी महसूस करते हो, बोलो हाँ, एकदम थक के आ गए, सोएं तो बस, क्या आता है सोएं तो बस, क्यों थकान आता है, वो कच्छ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे अंदर छुपा हुआ ईश्वर का ज्योति जो है वो एक ही तुम्हारा, बाकी सब चीज से थक जाओगे। 100 रसगुल्ला खाओ 101 में मना कर दोगे, 100 बार घूमने जाओ 101 में मना कर दोगे, कितना ही अच्छा पिक्चर हो 4 बार देखोगे 5वें बार बोलोगे नहीं देखना कंटाला आ गया। आप से थकते नहीं, बाकी सब चीज से थकते हो, आप से क्यों नहीं थकते हो। आदमी पत्नी से भी थक जाता है डाइवर्स कर लेता है, बच्चों से थक जाता है कोई तो बाहर निकाल देता है, कोई बच्चे बाप से थक जाते हैं बाप को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन आज तक कोई खुद से थका है, क्यों नहीं थकता है, क्योंकि खुद के अंदर ही खुद का परमात्मा बैठा है, कभी थकने नहीं देगा, खुद के अंदर खुद का परमात्मा बैठा है, कभी आपको थकने नहीं देगा। उसको रख के सत्य ज्ञान प्राप्त करो, अच्छे कामों में लगो। संत जो प्रेरणा दे रहे हैं गौशालाओं के लिए मंदिरों के लिए, लगेगा कि क्या जरूरत है और मंदिरों का,
हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं कि नहीं? बहुत बढ़ रहे हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर बहुत बढ़ रहे हैं, वैद्य बहुत बढ़ रहे हैं, तो वैद्यनाथ को भी बढ़ना चाहिए। वैद्यनाथ बढ़ेंगे, वैद्य घटेंगे। किनको बढ़ना? हाँ, वैद्यनाथ ज़्यादा हो जाएंगे तो वैद्य ज़्यादा नहीं होंगे, वैद्यनाथ ही ज़्यादा हो जाएंगे। भी कई लोग बोल रहे हैं कि स्कूलों की बहुत ज़रूरत है, हॉस्पिटलों की ज़रूरत है, मंदिरों की क्या ज़रूरत है, स्कूल हॉस्पिटल बनाओ, समाज की सेवा होगी। उन मूर्खों को मालूम नहीं है कि कौन सा संत बोल रहा है कि स्कूल हॉस्पिटल ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूरत है शरीर के लिए, तो उतना ही आत्मा के लिए मंदिर भी ज़रूरत है, वो उतना ही ज़रूरत है। किसने कहा कि स्कूल और हॉस्पिटल ज़रूरत नहीं है? ज़रूर ज़रूरत है, लेकिन एक दिन छूटने वाले शरीर के लिए इतनी तुझे ज़रूरत दिख रही है, तो शाश्वत आत्मा को तृप्त करने के लिए ईश्वर का घर भी ज़रूरत है, उतना ही ज़रूरत है उसको। वो बनाना हमारा धर्म है और उसके सहयोग करना किसका धर्म? बनाना मेरा धर्म तो सहयोग करना किसका धर्म? चलो अच्छी बात है, समझ गए तो मेरा काम ही सिद्ध हो गया। समझदारों के सभा में कोई बैठा तो उसका तो काम सिद्ध हो गया, मेरा काम तो सिद्ध है।